यस नमस्कार। अरे बाप रे, खोलो, मैं तेरे घर आकर तोड़फोड़ किया हूँ। तू यहाँ अंदर कैसे आया? छोड़, रुक, अभी तुझे अभी सबक सिखाता हूँ। तुझे पुलिस आके समझाएगी। बुला, पुलिस को बुलाएगा है? तेरे तो पुलिस को बुलाएगा। इतनी फोड़ के बीवी ने समझ क्या रखा है? मुझे गधा समझ क्या रखा है? क्या तहस नहस किया है? तहस नहस क्या होता अभी बताता हूँ मैं तुझे, अभी दिखाता हूँ क्या हो जाता है। रुक जा, छोड़, सब फोड़ के तहस कर दे। अरे तोड़ो मत, तोड़ो मत, क्या कर रहा है? रुक जाओ। अरे तोड़ो मत, क्यों तोड़ना तुम? अरे छोड़, छोड़ मुझे। अरे तू पागल है? मुझे छोड़ूंगा नहीं तुझे। तेरे तो, अरे रुक जा यहां से, निकल। निकल यहां से, चल। ये देख, अरे क्या कर रहा है? अरे रुक जा, मुझे पुलिस से अरे ये क्या तुम समझ रखी हो अपने आप को? इन सब के पीछे की वजह तुम हो। मैं तुम्हें मार डालूंगा, तुझे मार के गौड़ के कमर में उतार दूंगा। मैं लौट के रखता हूं तुझे, तुझे और तेरी बीवी को जिंदा नहीं छोडूंगा। निकल यहां से, तुम दोनों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा मैं। देखो मनोज, भावना पूरी तरह से रोग मुक्त हो गई है ऐसा मैं नहीं कह सकता, लेकिन मेरी समझ के मुताबिक कल्पना द्वारा बनाया गया वो चरित्र अपनी याददाश्त से मिटाने के लिए भावना पूरी तरह कोशिश कर रही है। वो उसको अपने दिल से भी और शरीर से भी उसे बाहर निकालने का पूरा प्रयास कर रही है। ये जो प्यार है तुम्हारे हाथ में जो खरोच लगा है, हाँ, इसकी वजह से। लाओ दिखाओ। शायद बीबी के दांत होने की वजह से सेफ्टी हुआ नहीं। फिर भी अपनी बीवी को बचाने के लिए जिस रास्ते को चुना है ना, उसने दांत काटा है। अगर किसी हथियार का प्रयोग किया होता तो अभी भी भावना को लगातार मेरे काउंसलिंग की जरूरत पड़ेगी। फिर भी आई एम श्योर सी विल बी ऑल राइट। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू। लेकिन फिर भी उसका पुराना डर अथवा इनसिक्योरिटी उसके अंदर ज्यादा प्रभावित हो सकती है। सो तुम इतने दिनों से जो अपने प्यार से दूर रहे, अभी तक अपने प्यार को जो छुपा करके आपने रखा था, उसको दिखाने का समय आ गया है। मैं समझ गया डॉक्टर। आई विल। ओके, गुड, थैंक यू। हेलो। हेलो, मनोज वकील है ना? हाँ। मैं अली विलियन हूँ। कौन? अरे राजन का साला ली बी। साला बोल रहा है वकील से मिलना चाहता है। हम लोग इधर जनरल हॉस्पिटल में हैं। कैसे अभी? क्या बोलूं अभी, मैं पंचर लगाने की भी जगह बाकी नहीं है। नमस्ते। नमस्ते। आराम से, आराम से। एक बात बोलने के लिए ही सर मैंने आपको बुलाया है। तकलीफ तो नहीं हुई ना? सच बोलूं तो
मेरे सुधर जाने की वजह आपकी बीवी ही है सर। पहले मैं आपकी बीवी है मैं जानता नहीं था। जेल में सोचा था उनसे शादी करूंगा और इज्जत से जीऊंगा। जब ऐसा नहीं हुआ तो मुझे गुस्सा आ गया, लेकिन वो तो पागल है ये तो मुझे अभी पता चला है सर। सॉरी सर, मुझे लगा मैं सुधर गया पर सब वेस्ट हो गया। कुछ भी वेस्ट नहीं हुआ राजन, तुम्हारे खिलाफ अब कोई भी गवाह नहीं है। मेरी ओर से जो गलत हुआ उसे मैं ठीक कर दूंगा। खून के केस से भी तुझे बाहर निकाल दूंगा मैं। तुझे एक अच्छी जिंदगी मिलेगी। अभी तुम सुधर गए हो, अच्छी बात है। चलता हूँ। ठीक है सर। ठीक है सर। सर है हाँ? एक बात बोले बिना नहीं रह सकता हूँ। इस तरह पागल लड़की के साथ घर चलाना बहुत पुण्य का काम है, कसम से। अरे कितनी बार मैंने तुझे ऑफिस से कंप्लेन दिया था, फिर भी आज तक कोई कार्रवाई नहीं की तुमने। इस तरह भेष बदल कर रहने वाला पहले कभी नहीं देखा मैंने। बाथरूम में लाइट गए हुए 3 दिन हो गए हैं, एक इलेक्ट्रीशियन को भी नहीं ला पाए तुम। हर महीने मेंटेनेंस भी बराबर लेते हो पर काम नहीं करते, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। बस करो पापा, अगर आज शाम तक इलेक्ट्रीशियन को नहीं लेकर आए तो देख लेना कि मैं क्या करूंगा। बेवकूफ, नालायक, यूजलेस। कुछ मत पूछो सर, बस छोटी सी परेशानी बहाना मिलना तो काफी है इनके लिए। सीधा गाली देकर जान खा लेते हैं। वो लड़की ले गई इसलिए बच गया। कैसे मैडम? ए, अभी ठीक है ये। हाँ। किसी से मिलकर एक बात बोलनी है। माया, मेरी सबसे अच्छी बेस्ट फ्रेंड। माया, 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 प्रिय भावना, कल मेरे पतिधर मुझसे मिलने आए थे। हम बहुत देर तक बातचीत किए, तभी मुझे पता चला कि जब वो नहीं रहते हैं तब मैं कितना अकेलापन महसूस करती हूँ। प्यार, मोहब्बत, ऐसे कोई भी रिश्ते नाम देकर बुलाने से नहीं बनते हैं, लेकिन इन सब रिश्तों में बढ़कर एक रिश्ता पति और पत्नी का भी है। इसे समझने में मैंने बहुत देर कर दिया, ऐसी गलती तुम मत करना। तुम्हारी दोस्त माया। Thank you.
वो चली गई। सिर्फ माया ही नहीं, उसकी तरह बिन बुलाए जितने भी हमारी जिंदगी में आए थे वो सब चले गए। अब सिर्फ हम दोनों हैं। अब हमारे बुलाए बिना कोई भी मेहमान हमारी जिंदगी में नहीं आएगा। वॉलपेन के उस तरफ रहने वाला फ्लेक्स बोर्ड में एडवर्टीजमेंट बदल के आएगा। इस कल्पना की दुनिया से लौटकर यथार्थ जिंदगी में अब भावना लौट कर आ गई है। अरे इसको लो। हाँ इधर दो। नहीं नहीं ये तुम इसको। अरे रे 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 आ जा मेरे पास। अच्छे बच्चे नहीं होते।